दोस्तों, अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इव यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन, निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं।
एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवी यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है, जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है, जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन इनाया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन, निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज
के मुताबिक हैरत अंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीजी बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम विस्फोट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक करके फिराक में है।
वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी एकर है जो पैसे कमाकर शोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लैला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहाँ बबलू ने केवल लैला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लैला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लैला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढ रहे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीजी बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वही तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्प फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं।
इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लैला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लैला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लैला के बहन इनाया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लैला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है जो इस ठगी का शिकार होती है। लैला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन, निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीजी बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम विस्फोट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वही तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको दोस्तों
मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लैला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर सोफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लैला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लैला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लैला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है जो इस ठगी का शिकार होती है। लैला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीजी बिरयानी नहीं बन पाई और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर मां का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वही तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्ट पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेलाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन इनाया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरत अंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम विस्फोट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, एवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेलाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट दूर से हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम
विस्फोट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, एवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेलाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन इनाया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है।
जो इस ठगी का शिकार होती है। लैला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंह बोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरत अंगेज एक्शन रोमांस गाने माँ का इमोशन विलेन से पंगा सोशल मैसेज विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीजी बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम विस्फोट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्ट पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने माँ का इमोशन विलेन से पंगा सोशल मैसेज विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट दूर से हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वही तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इव यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को
17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने माँ का इमोशन विलेन से पंगा सोशल मैसेज विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट दूर से हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाति नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इव यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेलाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट दूर से हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वही तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इव यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन, निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं।
एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने शेग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इव यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन इनाया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज
के मुताबिक हैरत अंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीजी बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टैगोर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम विस्फोट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक करके फिराक में है।
वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी एकर है जो पैसे कमाकर शोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लैला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लैला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लैला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लैला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीजी बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वही तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्प फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं।
इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लैला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लैला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लैला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लैला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लैला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढ रहे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम विस्फोट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वही तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको दोस्तों
मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लैला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लैला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लैला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लैला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है जो इस ठगी का शिकार होती है। लैला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने माँ का इमोशन विलेन से पंगा सोशल मैसेज विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीजी बिरयानी नहीं बन पाई और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम विस्फोट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वही तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज
की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेलाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम विस्फोट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर मां का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्ट पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, अगर आप भी हीरो पंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो पंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, एवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेलाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट दूर से हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं।
एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, एवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेलाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा शातिर जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन इनाया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन, निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के
मुताबिक हैरत अंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट दूर से हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीजी बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टैगोर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम विस्फोट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्ट पैदा नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेलाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल
खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहाँ बबलू ने केवल लैला के बहन इनाया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लैला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लैला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपने इस मुँह बोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरत अंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीजी बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्ट पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इसको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं।
इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन इनाया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन, निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीजी बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वही तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है, टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इव यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको दोस्तों इस मूवी
मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन, निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वही तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा।
और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इव यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वही तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरो पंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो पंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इव यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है, जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है, जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लेला को इस बात का पता चलते ही वह अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम
स्पोर्ट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमार डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्फ फैक्टर पैदा नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवी यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लेला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लेला के बहन इनाया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लेला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है।
जो इस ठगी का शिकार होती है। लैला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन, निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीजी बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम विस्फोट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्प फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हीरोपंती 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 29 अप्रैल 2022 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी हीरोपंती 2, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों अहमद खान, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि तारा सुतारिया, टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सज्जाद डेलेफ्रोज, इवे यास्मीन, अमृता सिंह, नवनीत मलिक आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 2.4 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 17% तक ही फ्रेश बताया है, और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 39% तक ही लाइक किया है। हालांकि दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो हालांकि कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहां जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लैला नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा साथी जालसाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक कर की फिराक में है। वही बबलू टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर सोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लैला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहां बबलू ने केवल लैला के बहन नया तारा सुतारिया से पार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लैला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का जमीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लैला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुंहबोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन निर्देशक अहमद खान ने अपनी इसी फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एंटीमेंट ढूंढ रहे हैं, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण है रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमजोर स्क्रीन प्ले। टाइगर ने हीरोइज्म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम विस्फोट की शिकार ट्रेन के चित्रों में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फोन रिसीव करना, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन डांस रोमांस टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं है और सबकी आती नहीं है जैसे टाइगर के सिटीमा डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित होते हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वही तारा सुतारिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर उम्प फैक्टर पैदा नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।